Hei, re! Are, re! Re! चल। प्रिय लीलो, आज तुम्हारे गांव से शीला बहन किताबें लेने आई तो तुम्हारी चर्चा सुनी, बहुत अच्छा लगा। बंसी ने तुम्हें पढ़ाकर जो शुरुआत की है उसे अब तुम्हें बाकी लोगों तक ले जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर सरपंच बालीराम से बात करूंगी, यह शिक्षा यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। नमस्ते, आपके बंसी ने सारे गांव का नाम रोशन किया है। जिस तरह बंसी ने लीलो को पढ़ाया, अगर गांव का हर बच्चा एक प्रौढ़ को पढ़ाए तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। हमें आपके बंसी पर गर्व है। जगत जी देखिए, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप अभी भी पढ़ना लिखना शुरू कर सकते हैं और पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे अधिकारों का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। राम राम सूरज जी। राम राम जी। राम राम। सूरज जी, आप तो पांचवी तक पढ़े हैं। प्रौढ़ शिक्षा के तहत आज गांव में हमने चौपाल बुलाई है। अच्छा। तो हम चाहते हैं आप भी आएं और बड़े लोगों को पढ़ाई लिखाई के महत्व के बारे में समझाएं, हमें बड़ी खुशी होगी। आऊंगा बेटे, जरूर आऊंगा। कलम का जो आया जमाना हो, कलम का देखो आया जमाना, दुनिया गूंथा छोड़ रही, दुनिया गूंथा छोड़ रही है, दुनिया गूंथा छोड़ रही, दुनिया गूंथा छोड़ रही। शिक्षा दिल में जोड़ रही है, जाति पात में तोड़ रही, शिक्षा दिल में तोड़ रही, जात पात ने तोड़ रही, शिक्षा दिल ने तोड़ रही। चाचा, ये क्या होता है? ये भट्टा है बेटा, जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो हैं और वहाँ पढ़कर अच्छे बनते हो, पक्के बनते हो, उसी तरह यहाँ पर कच्ची मिट्टी जो है वो पककर ईंट बनती है, ठीक है, और इस ईंट से घर बनता है। हाँ, समझे? हाँ, वहाँ देखो, उधर देख रहे हो वो, उधर चलेंगे हम अभी। आ रहे भाई, आ जाइए, मास्टर साहब आ चुके हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। चलिए। चलिए भाई, ये देखिए, हट जाइए भाई, गाड़ी आ रही है, रास्ता साफ कर दीजिए आप लोग। एक रुपए नहीं जो है तो। हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एक बात और है, वो ये कि सरकारी पैसे का बहुत कम हिस्सा हम तक पहुंच पाता है। मान लीजिए ग्राम विकास के लिए दिल्ली से 100 रुपए भेजे, गांव तक पहुंचते पहुंचते ये केवल 15 रुपए ही रह जाते हैं। Thank you.
पुरुष तो फिर भी शौचालय के लिए गांव या बस्ती से दूर चले जाते हैं, आदमी तो बस्ती से दूर चले जाते हैं शौचालय के लिए। इससे घर की आसपास की दूरी, मिट्टी में बीमारी से कीटाणु फैल जाते हैं। घर में कोई भी चीज़ बनाओ तो ढककर रखो और अपने घर में साफ सफाई अच्छी तरह रखो। और अपने मकान को साफ करो तो बाहर भी साफ करो, और उस कूड़े को बाहर घेरो जिससे सफाई हो। सफाई होने से बच्चे बीमार नहीं होंगे, कीटाणु पैदा नहीं होंगे। और पानी है जहाँ, वहाँ बच्चे भी मत जान दो, उस वहाँ भी सफाई करो, उस पानी में कीटाणु पैदा होते हैं। दीदी बहुत घबराहट हो रही है। अरे हम अकेले तो अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इतने लोगों के सामने। दीदी सब पढ़ पाओगे, जरा सा हौसला रखोगे सब पढ़ पाओगे। दीदी सरपंच साहब क्या कहेंगे कि देखो हमको पढ़ाने आ गया ये? कोई कुछ नहीं कहेगा, बस अपने ऊपर हिम्मत रखो, हौसला रखो, सब ठीक होगा। बालीराम जी आप तो जानते हैं कि लीलो अब हस्ताक्षर कर लेता है, अखबार बांट लेता है, और तो और गणित भी समझ लेता है। बालीराम जी आप सरपंच हैं, मैं चाहती थी कि अगर हर शाम लीलो आकर बड़े बुजुर्गों के लिए अखबार बांच दे तो लीलो की भी हिम्मत बढ़ेगी और जो लोग पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं उनको भी हौसला मिलेगा। हाँ जी, सबका हौसला बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप समझाएं, अक्षाक्षरता मिशन में जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। और फ्री है राम 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 राम, 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 राम भैया आ जा। राम राम बैठो। इस बंसी ने जब लीलू पढ़ा दिया तो क्या हम नहीं पढ़ सकते? बुढ़ापे में पढ़ के क्या करेंगे? अंगूठा नहीं टेकेंगे, बस का लंबर ले लेंगे, क्यों ले लीलू? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। शिव साथी जो लगन लगे तो, शिव साथी जो लगन लगे तो उम्र ना आड़े आए, उम्र ना आड़े आए, बच्चा अक्षर ज्ञान सिखाए हो, बड़ा सीखता जावे से। शिक्षा की जो लगन लगी तो उम्र ना आड़े आए, उम्र ना आड़े आए, बच्चा अक्सर ज्ञान सिखाए, बड़ा सीखता जाए रे। की जो लगन लगी तो उम्र ना आड़े आए, शिक्षा की जो लगन लगी तो उम्र ना आड़े आए। खा खा से खरगोश, गा गा से गधा, गधा ठीक है, गा से गांव, हाँ, और घा से गाय, घा से घड़ी, का से खा से खरगोश, गा से गधा,
गधा, घा से घड़ी, अवंगा से कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रिय लीलो, तुम्हारा साक्षरता केंद्र में जाना और गांव वालों को पढ़ाई लिखाई के महत्व के बारे में समझाना एक अच्छी शुरुआत है। शुरू में लोगों को जागृत करना कठिन लगेगा, पर हिम्मत मत हारना। मैं कुछ किताबें भेज रही हूँ। 2 किताबें नीले रंग के लिफाफे में सिर्फ बंसी के लिए हैं। जल्द ही मैं बंसी से और तुमसे मिलने आऊंगी। बालीराम जी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। सादर, तुम्हारी दीदी भवानी। से खरगोश, घास से गधा, गधा हाँ, और घास घास से घर, घास से घर हाँ, घर फिर बोलो का से घर। आ ताऊ, हमारी बात सुनो, पढ़ना लिखना बहुत आसान है, 1 महीने में सब सीख जाओगे। ताऊ ताऊ अरे इतनी सी बात नहीं समझते, पढ़ लेंगे तो। अरे बहुत झूठ बोलती थी, झूठ बोलती थी, बहुत झूठ बोलती थी। कहती थी विधवा होके मरूंगी, लेकिन अकेला छोड़ के चली गई। बहुत झूठ बोलती थी, और अब ये हरा बटन दबाओ, हरा दबा दें।
कुछ गलत तो नहीं देगा ना? नहीं नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये बात करने के लिए आसानी होगी और अब तुम्हें इसका इस्तेमाल सीखना भी चाहिए। हाँ दीदी, घंटी जा रही है। हाँ धारा गांव गांव की, जीवन धारा गांव गांव की, जीवन धारा गांव गांव की, देखो शिक्षा मोड़ रही, देखो शिक्षा मोड़ रही, देखो शिक्षा मोड़ रही, देखो शिक्षा मोड़ रही, कलम का देखो आया जमाना हो, कलम का देखो आया जमाना, दुनिया गूंथा छोड़ रही, दुनिया गूंथा छोड़ रही, दुनिया गूंथा छोड़ रही, दुनिया गूंथा छोड़ रही। कार्यक्रमों का प्रबंध करना पंचायत की जिम्मेदारी है। इसके लिए गांव सभा को पंचायत पर दावा डालना होगा। एक साक्षर और जागरूक गांव सभा ही ऐसा कर सकती है। गणेश भैया, हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। देखो इसमें लिखा है कि सरकारी पैसे का बहुत कम हिस्सा हम तक पहुंच पाता है। जैसे गांव विकास के लिए दिल्ली से 100 रुपये भेजे गए, गांव तक पहुंचते पहुंचते ये केवल 15 रुपये ही रह जाते हैं। बीच के जो पैसे गए हैं वो 85 रुपये कहाँ गए? कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ताऊ जी, पंचायत को सरकार का दर्जा दिया गया है। सरकार जैसे फैसला करती है वैसे पंचायत फैसला कर सकती है। पंचायत में कई समितियां बन सकती हैं। एक समिति पढ़ाएगी, एक समिति पानी का काम करेगी, पानी इकट्ठा करेगी, एक समिति जो है तो नाली साफ करवाएगी, सफाई समिति, शिक्षा समिति, ठीक है, और एक समिति जो है तो न्याय समिति होगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई अन्याय हो आप लोग पंचायत में आइए, ठीक है। हाँ देखो देखो ताऊ, ठीक है। और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है गांव की सड़क बनवाए, पानी निकलने का रास्ता बनवाए, बाढ़ आ जाए तो गांव की मदद करे, गंदगी साफ करवाए। जी दीदी, हाँ दीदी, किताब आ गई है। हाँ कॉपी भी आ गई है केंद्र में। हाँ दीदी बस, हाँ आप जो पुस्तकालय खुलवा दी हैं उससे बहुत आराम है दीदी, बहुत आनंद है। हाँ दीदी। ताऊ ना जी, तुम भी पढ़ लो। अच्छा, पढ़ने से बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ेंगे जी। हाँ हम पढ़ लिया, हम भी पढ़ेंगे। हाँ अखबार पढ़ाने आते हैं शाम। अच्छा, को आया करो, ठीक है। बिल्कुल। हाँ दुनिया के बारे में पता होना चाहिए आपको भी। चाचा सुने जी, अनाज मंडियों में सोमवार को गेहूं की आवक जोरों पर रही। सोमवार को गेहूं आया खूब ढेर सा गांव-गांव से, ठीक है, मंडी में आया। हाँ पिछले दिनों हुई बरसात, ओलावृष्टि व तेज हवाओं ने किसानों को झकझोर कर रख दिया था। ओला पड़ा ना किसान लोग, हाँ फसल खराब हो गई, वही दिए। हाँ कहीं दोबारा मौसम खराब ना हो जाए, इसलिए किसान जल्द से जल्द अपनी फसल को मंडी पहुंचाने में लगे हैं। सब लोग अपने अपने फसल जो है तो मंडी में ले जा रहा है।
दिल ने जोड़ रही रे, शिक्षा दिल ने जोड़ रही, जाति पात ने तोड़ रही, शिक्षा दिल ने जोड़ रही, जाति पात ने तोड़ रही, शिक्षा दिल ने जोड़ रही। सबरी दीखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए, सर सिज लोचन बाहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। मैं अपने इस इंटरव्यू में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बंसी जैसा शिक्षक हर किसी को मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति शिक्षित हो ये ज़रूरी है, तभी सच्चा विकास हो सकेगा। जीवन धारा गांव गांव की, जीवन धारा गांव गांव की, देखो शिक्षा मोड़ रही, देखो शिक्षा मोड़ रही, देखो शिक्षा मोड़ रही, देखो शिक्षा मोड़ रही, कलम का देखो आया जमाना हो, कलम का देखो आया जमाना, दुनिया गुठा छोड़ रही, दुनिया गुठा छोड़ रही, दुनिया गुठा छोड़ रही, दुनिया गुठा छोड़ रही।